केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी टॉपिक बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, बॉन्ड एनर्जी। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ लिया बॉन्ड लेंथ। तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ लिया, और फोर्थ टॉपिक जो है आयनिक करैक्टर हमने पढ़ लिया। अभी हम डाइपोल मोमेंट और फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। तो पांचवा टॉपिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को जब हम डिफाइन करेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। इन डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस, म्यू डाइपोल मोमेंट। और ये चार्ज, ये डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है डीबाई है। डीबाई एक डच अमेरिकन साइंटिस्ट था, मगर डाइपोल मोमेंट का जो मेन यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट जो है कूलम पर मीटर है। तो वन डीबाई इज इक्वल टू 3.34 × 10⁻³० कूलम मीटर है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मिचुएशन से कोवलेंट बाउंड। अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.20, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20। तो इलेक्ट्रॉन जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नहीं है। डाइपोल मोमेंट उस वक्त पॉसिबल है जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, यानी आयनिक करेक्टर इसमें हो। फॉर एग्जाम्पल HF है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.98 और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.20। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो डाइपोल मोमेंट को हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस साइड यानी पॉजिटिव लाइक साइन है, पॉजिटिव की तरफ है, और ये जो पॉइंटेड हेड है नेगेटिव की तरफ है। डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ एरो को क्या कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन भी है। तो इसी तरह जो फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर का भी डायपोल, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट को हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्रॉस क्रॉस पॉजिटिव लाइक साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्रॉस। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे। डायपोल मोमेंट का एप्लीकेशन Applications of dipole moment. Applications of dipole moment.
डायपोल मोमेंट हमें ज्योमेट्रीज बता रहे हैं, इसका मेन ज्योमेट्रीज हमें बता रहे हैं, ज्योमेट्रीज यानी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बता रहे हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रीज इसका पहला जो एप्लीकेशन है। ज्योमेट्रीज ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका इसकी ज्योमेट्री जो है वो लिनियर है, यानी एच एच ज्योमेट्री लिनियर है। सेकंड जो है एफ टू, इसकी ज्योमेट्री भी क्या है, लिनियर है, यानी यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सिमिलर एटम्स हैं, इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो डिवाई है, जीरो डिवाई, और ये भी क्या है, जीरो डिवाई, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। फिर इसके बाद अगर क्लोरीन हो Cl2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मालूम है 3-3 है, कैंसिल इच अदर, इसका डायपोल मोमेंट है नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, ना पार्शियल पॉजिटिव है ना पार्शियल नेगेटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका शेप भी क्या है, लीनियर है, इसका डायपोल मोमेंट भी क्या है, जीरो डिवाई है। इसी तरह ब्रोमीन जो है Br यानी Br2, इसका शेप भी जो है लीनियर है, यानी जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं चाहे आयोडीन हो I2, इसका शेप भी जो है लीनियर है और इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो डिवाई है। इसी तरह ऑक्सीजन O2, इसका शेप भी लीनियर है, इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है, जीरो डिवाई है इसका। और इसी तरह जो है नाइट्रोजन N2, इसका शेप भी जो है लीनियर है और ये जीरो डिवाइस का डायपोल मोमेंट है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके सेम है, तो ज्योमेट्रीज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में पोलर मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल जिस तरह एच एफ इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो स्टार्स फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव और यहां पे क्रॉस क्रॉस पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका शेप भी क्या है, लिनियर है, इसका डायपोल मोमेंट है। इसी तरह जो है HCl पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट को हम तीर के निशान जाहिर करते हैं और यहां पे प्लस, इसका शेप जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल तो है लिनियर, इसका भी डायपोल मोमेंट है। और इसी तरह HBr पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह जो HI है पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाई ज्योमेट्रीज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, इन सब का शेप जो है लिनियर है। ज्योमेट्रीज ऑफ ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा जो एप्लीकेशन है ज्योमेट्रीज ऑफ ज्योमेट्रीज यानी शेप्स ऑफ ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल हो। इसका एक एग्जांपल तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल ऑक्सीजन, इसमें स्ट्रॉन्ग पोलरिटी है, यानी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव की तरफ। अब इसमें स्ट्रॉन्ग डायपोल है, इवन इसका डायपोल मोमेंट जो है क्या है, जीरो डिवाई, जीरो डिवाई क्यों है, क्योंकि एक डायपोल दूसरे डायपोल को कैंसिल करता है, इसी वजह से जिस तरह कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड जो एक ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका भी जीरो डिवाई है, जीरो डिवाई क्या है, क्यों है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब यहाँ पे ये इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या है, जीरो है। अब ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल में वाटर आ रहा है, वाटर का डाइपोल मोमेंट है, यानी ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो 1.85 डिवाइड जो है वाटर का डाइपोल मोमेंट है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका शेप जो है लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। ये इसका शेप जो है एंगुलर है, ये इसका शेप जो है बेंट, इसको हम कहते हैं। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव की तरह, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव की तरह। अब 1.61 इसका डाइपोल मोमेंट है, 1.61 डीवाई सल्फर डाइऑक्साइड का। ये जो इसका डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पुशिंग ज्यादा करता है, इसी वजह से इसका डाइपोल है। तो ये तो हो गए डाई ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, लिनियर भी हैं, नॉन लिनियर भी हैं। ज्योमेट्रीज ऑफ टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल्स, तीसरा जो एप्लीकेशन है, ज्योमेट्रीज ऑफ टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल। अब टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल में अमोनिया भी आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट है 1.47 डिवाई है, तो पार्शियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पार्शियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पार्शियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसका डाइपोल मोमेंट क्यों है, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुशिंग करता है, यानी जो एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को कैंसिल नहीं करते हैं। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को कैंसिल करता है, इसी वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो डिवाई है। और इसी तरह जो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये भी डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो डिवाई है, तो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इसी तरह ज्योमेट्रीज ऑफ टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल्स, पेंटा एटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्रीज ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, हालांकि यहाँ पे भी स्ट्रॉन्गली पोलरिटी है, डायपोल है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हालांकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायपोल है, मगर एक डायपोल जो है एक दूसरे डायपोल को ये कैंसिल करते हैं, इसी वजह से इसका जीरो डिवाई है। यानी कार्बन मीथेन इसमें भी आ रहा है, और इसमें जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी आ रहा है। तो डाइपोल मोमेंट हमें ज्योमेट्रीज बता रहा है, इसका मेन एप्लीकेशन ज्योमेट्रीज इज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है। नेक्स्ट हमारा आखिरी टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।